महाराष्ट्र सरकार में विभागों के बंटवारे को अभी ज्यादा समय हुआ भी नहीं कि उद्धव सरकार की मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर, जो कि अपनी राजनीतिक नाता कांग्रेस से रखती हैं, चर्चा में बनी हुई हैं। सत्ता में आते ही यशोमती ठाकुर के बयान भी विवादित होने लगे हैं। बीते दिनों यशोमती ने जनसभा में कहा था कि अभी तो सरकार बनी है, अभी जेब गर्म करने में समय है। तुम घर के आए हुए लक्ष्मी को क्या नहीं बोलते? अरे लेकिन वोट पंच को डालना। सोशल मीडिया पर मंत्री के बयान को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल यशोमती एक जनसभा में बोल रही हैं कि अभी तो हम सरकार में आए हैं, अभी हमारी जेब गर्म नहीं हुई है। 5 सालों तक क्या हुआ था ये तो आप सभी जानते ही हैं। इसके साथ ही यशोमती का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें निकाय चुनाव प्रचार के दौरान यशोमती ने कहा कि जो लोग विपक्ष में हैं उनकी जेब काफी गहरी है, और अगर ऐसे लोग आपको अपनी जेब का कुछ हिस्सा चुनाव के दौरान दे तो उसे ना मत कहिएगा। घर आने वाली लक्ष्मी को मना नहीं किया जाता, लेकिन वोट केवल कांग्रेस को ही देना है। यशोमती के इस बयान से कांग्रेस खेमे में घमासान मचा हुआ है। बयान की आलोचनाओं के साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अपने बयान पर सफाई देते हुए मंत्री का कहना है कि विपक्ष इसे जोड़ तोड़ कर पेश कर रहा है। उस बात से मेरा मतलब इतना ही था कि अभी हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, सत्ता से बाहर होने के कारण भाजपा बौखला गई है, इसलिए ऐसे काम कर रही है। आपली काही सरकार नव्हती आणि आता म्हणजे शपथच घेतलेली आहे फक्त खिसे गरम व्हायचे होते। सबस्क्राइब आवर चॅनल अँड प्रेस द बेल आयकन फॉर मोर अपडेट्स।